ये पूरा क्रिएट कर दे रहे हैं, यानी निज़ाम का नाम मार्केट में बदनाम कर दे रहे। देखिए, निज़ाम वो शख्स है, अंबेडकर कॉलेज को 300 एकड़ ज़मीन दिए। अंबेडकर कॉलेज को आप जाके मालूम कर लीजिए, आपके औरंगाबाद में जो अंबेडकर कॉलेज है, 300 एकड़ डोनेट करे कॉलेज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हिस्सा प्रिजर्व जगह है, ये गद्दी है पहले निज़ाम की, आसिफ जा अव्वल खमरुद्दीन अली खां की गद्दी है, और ये जो है सो वफ के तहत प्रिजर्व है ये लैंड। अब इसको आके बैठ के ये एरिया को कोई लोगों से पैसे लिए, अब कल रात में आके जो यहाँ के मुकामी लोग हैं जो रहते हैं हमारे फोर फादर्स के ज़माने से तकरीबन 40 ईयर्स के अबव से, अब उन लोगों को जो है सो हरासमेंट करके निकालने के चक्कर में थे। मैं सुना कुछ 60-70 बच्चे थे, बल्कि वो काफ़ी हंगामा हुआ। मेरे को सुबह मालूम हुआ, फिर मैं PI साहब से मिला जाके उनको करा, तो उन्होंने बोले मैं FIR कर रहा हूँ, बोले शाम तक FIR हो जाएगा, बोले कर रहे कोई भू माफिया से कनेक्टेड है, लैंड माफिया से, तो ये लैंड माफिया कोई इनको फंडिंग कर रहा। अब देखिए आप, हमारे जो है सो ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर्स औकाफ कमेटी के एक अब्दुल हमीद को जो है सो अपॉइंट करें यहाँ पे प्रेजेंट केयरटेकर। मैं जाके उनको इतना बोला हूँ कि हटाओ उसको, वो लैंड एजेंट है, लैंड माफिया का आदमी है, हरगिज ने हटाए, और वही आदमी कल ये क्रिएट करा। अब वो बोर्ड मेंबर्स को भी खींचूंगा मैं। ये सब बदमाशा खाली निज़ाम का लूटने आते लुच्चे लफंगे, और हर जगह जो है सो नाम लगा रहे, निज़ाम का नाम लगा दे रहे, बोर्ड लगा रहे निज़ाम का नाम लगा दे रहे, नाम बदनाम कर दे रहे हमारा पूरा। एक बात मेरी गौर से सुन ली आप, और ना निज़ाम ऐसे फट्टे दरख्वास्तों को कोई लिख के नहीं देते, इनकी इनो वहाँ सुड़ी करने भी नहीं जा सकते, समझे ना। ये पूरा फ्रॉड है, चीटिंग है, और ये जो है सो खाली जो है सो ये लोग पैसे पब्लिक से लूट रहे, ग्रैब कर रहे पैसे। सर आपने कुछ महीनों पहले, मैं बोलूंगा शायद एक साल पहले, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ मैं दो कॉन्फ्रेंस किया, एक 2017 में और एक साल पहले मैंने अटेंड किया था। जो डेढ़ साल पहले आप कोर्ट में भी जाने वाले थे, कोर्ट में गया मैं, सुनिए आप, कोर्ट में मेरा केस फाइल करे हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में, हमारा सूट पेंडिंग है, तलेकर एंड एसोसिएट्स हमारे सॉलिसिटर्स है बॉम्बे में, जो है सो सतीश तलेकर साहब देख रहे, और जो है सो यहाँ पे औरंगाबाद में उनके साहबजादी है प्रज्ञा तलेकर, वो मिस प्रज्ञा तलेकर उन्होंने टेक केयर कर रहे हैं। औरंगाबाद में इन लोग के ऊपर क्रिमिनल रिट भी फाइल करा हुआ हूँ, मेरी क्रिमिनल रिट पेंडिंग है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन प्रोसेस नहीं हुआ मैटर, अभी पेंडिंग है मेरी क्रिमिनल रिट। आपको आपकी ही प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है, नहीं देखिए ये लुच्चे लफंगों की तरफ से, ये ऐसे जो लुच्चे लफंगे है ये पूरा क्रिएट कर दे रहे, यानी निज़ाम का नाम मार्केट में बदनाम कर दे रहे। देखिए, निज़ाम वो शख्स है, अंबेडकर कॉलेज को 300 एकड़ ज़मीन दिए। अंबेडकर कॉलेज को आप जाके मालूम कर लीजिए, आपके औरंगाबाद में जो अंबेडकर कॉलेज है, 300 एकड़ डोनेट करे कॉलेज के लिए। नांदेड़ में गुरुद्वारा के लिए 300 एकड़ डोनेट करे, समझे ना। अब ये लुच्चे लफंगे आके ऐसे नामा ख़राब कर रहे, तो हम कहाँ बर्दाश्त करेंगे। हम आज के जनरेशन के हैं, हमारे वालिद उन लोग का सुन लेते थे, वो उनका ब्रॉटअप अंदर हुआ था, चार दीवारी में हुआ था, हमारा ब्रॉटअप अलग हुआ, और हमको ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत अच्छी तरीके से। कल रात में यहाँ पे घर में पूरी तोड़फोड़ करके देखिए ना, गरीब वो औरतों के ऊपर गए लोग, कितनी गलत बात है बोलिए आप, कितनी गलत बात है।
औरतों के इज्जतों से खेलना बोले तो कैसा, ये हरामजादे बचना चाहिए क्या? बोलिए सर, ये आपका लैंड है और आपकी परमिशन से वो लोग यहाँ पे। मेरी परमिशन से नहीं है, मेरी परमिशन से नहीं है, किसी की परमिशन से नहीं है। मेरे एक भाई से जीपीए लिए था ये पटेल, लेके काम कर रहा था। जब मेरा भाई आया तो जो है उसको डराना धमकाना शुरू करा, वो भी कल सुबह पहुँच रहा औरंगाबाद, क्योंकि मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्लान है। अभी मैं थोड़ा डिस्कशन होने के बाद, हमारे लीगल डिस्कशन होने के बाद रखूंगा मैं। नहीं नहीं, या तो फिर उन्होंने निज़ाम के लीगल है रहे, समझे ना, उनके नाम पे हो जाएंगी, उन्होंने निज़ाम के लीगल है रहे, हो सकता है उन्होंने निज़ाम के लीगल है रहे, शायद उनके नाम पे हो जाएंगी, मुमकिन है। ये लीज़ ख़त्म मेरे नॉलेज के हिसाब से 2023 में कुछ ख़त्म होने वाली है, वो अभी हम प्रोसेस करेंगे आगे क्या करना है। सो वो अभी एक दो साल बचे हुए, उसको दो तीन साल, उसके बाद देखेंगे क्या करना है लीगली। सवाल सर जी, कल जो टूट फूट हुई है, ये घर वालों को यहाँ से निकालने की धमकी दी गई है, सर आप इनके साथ हैं? मैं बिल्कुल इनके साथ खड़ा हुआ हूँ, ये हमारे पुराने लोग हैं, इनके साथ खड़े रहूँगा और इनको मैं ये देखूँगा कि कोई तकलीफ इनको आइंदा से नहीं हो, ये मैं देखूँगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा कमिटमेंट है उन लोगों से। और उनको पूरा हैंडओवर दिया हूँ, अब वो लॉक तोड़ के दूसरा लॉक बिठाए, वसूलन लॉक नहीं रहना चाहिए ये जगह को। ये जगह जो है सो टूरिस्ट प्लेस है, ये एक जाली लगा के लॉक डाल के रखे और कोई टूरिस्ट आए तो आने नहीं देते कहते उन लोगों को। तो अभी लॉक तोड़वा के यहाँ के एक आदमी को इंचार्ज बना के उनके अंडर में दियो मैं। अभी मैं सर्कल साहब से बात करूँगा, PI साहब से, कमिश्नर साहब से बात करके ये पूरी जाली भी हटवाने लगूँगा, क्योंकि ये इल्लीगल ही बनी हुई है। सर आपका पूरा नाम जाना? मेरा नाम दिलशाद जा है, मैं उस्मान अली खान का ग्रैंडसन हूँ। और मैं अभी मेरे जो कज़न भाई और बहना है जो निज़ाम के मेन लीगल हेयर्स है, प्रिंस शामजा, प्रिंसेस फातिमा फौजिया और उनके दो बहना है, प्रिंसेस आमिना मर्दिया और प्रिंसेस अलिया कुलसुम, उनके ऊपर से पूरा देख रहा हूँ। और इवन तो मुकरम जा के तरफ से भी देख रहा हूँ और मुखफम जाए के तरफ से भी देख रहा हूँ। पूरे खानदान के 24/7 मेरा काम यही है कि जहाँ भी लिटिगेशन डिस्प्यूट हो रहा, जहाँ भी कोई गरीब लोगों के साथ जुलूम हो रहा, मैं खड़े रहने वाला हूँ। मैं सोशल सर्विस में बहुत हूँ, मैं सोशल वर्क बहुत करता हूँ। मेरे को कोई प्रॉपर्टी के बिकने से खरीदने से कोई फ़र्क पड़ने का वाला नहीं है। ये है, जहाँ पे भी है कोई गरीब आदमी कोई आ रहा तो उसका उसकी मदद करना मेरा काम है।